नमस्कार, मैं उपेंद्र अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। बेरोजगारी ने ताली थाली बजाकर प्रदर्शन किया। खबर चंदौली दीनदयाल नगर से, जहां बेरोजगार ने केंद्र सरकार के खिलाफ थाली व ताली बजाकर प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर कोसा। जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बड़ी संख्या में बेरोजगार एकत्रित होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देश में बेरोजगार व गिरती हुई जीडीपी व महंगाई मुद्दों पर सरकार को घेरा तथा रोजगार के अवसर पर सुजित करने की मांग भी की। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। जब प्रधानमंत्री जी उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे और 6 साल हो गई इनकी गवर्नमेंट को, 4 साल स्टेट गवर्नमेंट को, नौजवानों को एक भी रोजगार नहीं मिला, न एक भी भर्तियां निकली है। जो भर्तियां निकली हैं उसे भी कोर्ट में फंसा दिया जा रहा है। तो हम बेरोजगार हैं, सरकार हमसे ताली और थाली बजवाती है कोरोना के नाम पर। तो हम थाली और ताली उन्हीं की भाषा में उनको जगाने आए हैं कि हम बड़े पैमाने पर हम नौजवानों को रोजगार दीजिए, नहीं अगर रोजगार मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, होने पर विवश होंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आज तो 10 मिनट का कार्यक्रम था, आगे हम लोग लगातार नौजवानों की संख्या बढ़ाकर बड़ा आंदोलन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। को लेकर रोड पर उतरे आज शिक्षक दिवस के मौके पर हम लोग इसलिए रोड पर उतरे हैं क्योंकि देश में और प्रदेश में नौजवानों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नौजवानों के पास रोजगार के नाम पर कुछ नहीं, प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सिर्फ और ताली और थाली का काम किया है और देश और प्रदेश में नौजवानों की हालत को खराब किया है। नौजवानों के पास भर्तियाँ एकदम बंद कर दी गई हैं, निजीकरण ने और ज्यादा तबाही मचा के रख दिया है। जो लोग नौकरियां कर रहे थे उनकी भी नौकरियां खत्म खतरे में आ चुकी हैं और चाहे आरबीपी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीएलजी हो, इतनी जो निकलती थी पहले 15,000-20,000 आती थी वैकेंसियां, लेकिन इस प्रदेश और राज्य केंद्र की सरकार में जो परमिट आई है